फिर इधर पानी पाओ, वाटर पा दो, तुम की अब्जर्व करोगे तुम लगने के पॉइंट है थोड़ा नजदीक आ गया, ठीक है। फिर सेकंड फोर्थ में एक एग्जांपल देना, फिर तुम वाटर पाओ, फिर पेंसिल को डिप करो ऐसा, तब के लिए जरा ये पेंसिल थोड़ी बेंड हो, तब थोड़ी बेंड नहीं नजर आएगी, ठीक है। सो ये अपने कॉमन ऑब्जर्वेशन अपन जो देख ली, ये तो हम ग्राफ लाइक करने हैं ज्यादा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब एक ये हो रहा है कि हम मतलब पेंसिल थोड़ी बेंड नहीं नजर आती है, तो ये उधर भी देखा होगा, मान लो फॉर एग्जांपल एक टावा, ठीक है, पहले से वाटर पाउडर है, तो लग रहा है कि ना सरफेस जरा थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है, मतलब ये डेप्थ कट गई, ठीक है। सो ये सारे फिनोमेना है कि कितना रिलेटेड है क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की है जब भी लाइट एक मीडियम को फॉर एग्जांपल एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, जब भी लाइट होने को आ मीडियम आएगा क्लियर, ए मीडियम की जगह ग्लास ग्लास जब भी लाइट एक मीडियम को दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, लाइट मींस एक और क्या है रे तो नहीं है, जब भी रे एक मीडियम को दूसरे मीडियम में जाती है रे की होती है बैंड हो जाती है, और ये नहीं थी गेन समझाना था कि कितना बैंड होती है, पहले आप लिख देंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ ले लो द फिनोमेना in which a ray of light traveling from one medium to another is bent at a rate of refraction. It is called refraction of light. Simple meaning क्या होगा कि जो light medium को दूसरे medium में जाती है light bend हो जाएगी, ठीक है, या rays जो bend हो जाएगी, ठीक है। और अपन समझते हैं कि rays कितने bend हो गए, ठीक है। अपन glass lab में लेते हैं, जो experiment भी अपन लगाते हैं करेंगे glass lab का, ये तुमसे दो experiment देखेंगे आज जो है क्लास लाइव आगे सबके साथ 90 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। आ देखो
एलआर 90 के ऊपर है ठीक ड्रॉ करता मैं नॉर्मल फोन क्यों आएगा ऐ ठीक है ना ऐ ग्लास लैब चला जा रहा है मीडियम ग्लास लैब डेंसर मीडियम ऑप्टिकल डेंसर एयर रेयर मीडियम ठीक है हुन जो इंसिडेंट रे के फॉर करेगी तुसी नॉर्मल ड्रॉ करता हुन रे ने क्यों होना बैंडवर्ड क्यों होना बैंडवर्ड जेडी रे बैंड हो जाएगी ਉਹਨੂੰ ਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਰੀਫ੍ਰੈਕਟਡ ਰੇ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਜਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਰੀਫ੍ਰੈਕਟਡ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਫ੍ਰੈਕਟਡ ਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਕਹਾਂਗੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰੀਫ੍ਰੈਕਟਡ ਰੇ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੀਫ੍ਰੈਕਟਡ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे क्लियर है क्या होगा रिफ्रैक्टेड ठीक है यानी मीडियम में जाके बैंड हो एंगल कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के जड़ा है जड़ा एंगल नॉर्मल द रिफ्रैक्टेड रे के बीच बनेगा वो क्या एंगल होएगा अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है और अपन गल करके रे बैंड जब होएगा फिर अपन ये लॉ करेंगे light ray goes from rarer to denser medium it bends towards the normal matlab jab ray rarer medium to denser medium ko it jayegi kitne ko bend hogi normal ko bend hogi अब देखो तो देखते हैं इसे क्लियर में ड्रॉ करना देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉ करता तो नहीं इसे थोड़ा नॉर्मल फोन क्यों आएगा आपका की मॉस टूल की है कि जो रे रेयर और मीडियम को डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट के तरफ बेंड ऑफ डियर टुवर्ड द नॉर्मल देखो देख के रिफ्रैक्शन आप नॉर्मल को एक्सटेंड कर लेंगे देख के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लाइट ना बेंड होती मीडियम सेम होगा पर लाइट सीधी निकल आएगी पूरी सीधी स्ट्रेट फोन की हो गया अपना रूल आ गया और दो मीडियम आगे रेयर हम कितना कितना जा रहे हैं रेयर टू डेंसर मीडियम यानी कितना बैंड होना टुवर्ड्स नॉर्मल मैं सीधी ही जाएगी तो नॉर्मल वाला बैंड हो जाएगी ठीक है इधर तो मिल रहा है एक्सटेंड कर रहा है इंसिडेंट रे फिर तुम ये मान रहा है ई फैक्टर ठीक है जी सेकंड रूल की आएगा व्हेन ए लाइट रे गोस फ्रॉम डेंसर ए ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल ठीक है जी ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰੋ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਰੇ ਹੈ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਮੀਡੀਅਮ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਬੈਂਡ ਹੋਗੀ बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ठीक है उतना सीधी निकल जाएगी नॉर्मल में ड्रॉ करता नॉर्मल ड्रॉ जरूर कर देना है तो पता पता नहीं लगेगा नॉर्मल ड्रॉ करता उतना सीधा ट्रैवल कर देने में सेम होगा पर इनको अवे है एक तो थोड़ा दूर है इधर ऊपर ठीक है जी थोड़ा ज्यादा होगा ठीक है जी
ऑप्शनों का। फर्स्ट ब्लॉक की है वो तो इंडिया आना देखो कि तो नॉर्मल इंसिडेंट रे ये रिफ्रैक्टेड रे है सेम पॉइंट पे है देखो ठीक है थैंक यू। सो अपन की कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे और लॉ की है नेक्स्ट टॉपिक की है अपना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट क्या है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड ऑल लाइट इन द सेम प्लेन। सेकेंड क्या है प्रॉब्लम आ रही क्योंकि डॉमेरी की मैट्रिक्स पढ़ोगे टेंथ के साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज कॉन्स्टेंट। साइन के अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है इन अपने मैथ के पढ़ोगे तो पढ़ लो फिर तुम प्रॉपर समझ लगे ठीक है। तुम्हें की करना एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी करोगे ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਡ ਹੋਗੀ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਦੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਦੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਡ ਹੋਗੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਾਓਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਅ ਆਫ ਰਿਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।